वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभय निर्विघ्नम क्रू में देवो सर्वे कायशु सर्वदा। देखिए हनुमान जी महाराज को जिस तरह वरदान है संकट मिटाने का, वैसे ही गणेश जी महाराज को वरदान है कि किसी भी काम को सफल करने का। भगवान शिव एंड पार्वती और सारे देवी देवताओं ने मिलके इनको वरदान दिया है गणेश जी महाराज को कि अगर आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, आपकी कोई आराधना नहीं करेगा, तो उसका कोई भी काम कभी सफल नहीं होगा। अब आप देखिए महाराष्ट्र मुंबई वाले और उस तरफ के जो लोग हैं वेस्ट वाले, वो तो सब जानते ही होंगे क्योंकि वहाँ तो गणपति जी मेन इष्ट देव हैं, मेन देवता हैं। बट नॉर्थ वाले भी जानते होंगे, पर मैं जो और काफ़ी एरिया में इंडिया में काफ़ी दूर दूर तक लोग हमारे फैले हुए हैं हिंदू लोग, तो उनको ज़रूर बताऊँगा मैं कि आप सबसे पहले जब अपना पूजन स्टार्ट करें तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की आराधना करें, गणेश जी महाराज को नमन करें। वक्रतुंड वाला जो मैंने दोहा बताया है इससे आप शुरू करें, इस मंत्र से शुरू करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभय निर्विघ्नम क्रू में देवो सर्वे कायशु सर्वदा। इसके बाद मित्रों अब मैं आ जाता हूँ सेकंड देवता पे। जो सेकंड देवता हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। मित्रों हनुमान, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, किसी भी भगवान की पूजा करो, आप हनुमान जी महाराज बाई डिफॉल्ट आपकी पूजा में होंगे होंगे। रीजन क्या है कि इनको वरदान है। क्या वरदान है? सीता माता ने इनको वरदान दिया है। पहले तो अजर अमर होने का वरदान दिया है इनको, चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। दूसरा वरदान इनको क्या मिला हुआ है कि ये भक्त की जो मन की बातें हैं ना वो तुरंत जान लेते हैं अपने आप ही। इवन देवी देवताओं की भी क्या स्थिति है वो इनको पता लग जाती है। इसलिए आप देखिए जो संकट मोचन है, संकट मोचन में क्लियर क्लियर तुलसीदास जी ने रखा है, को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन हनुमाष्टक में एक लाइन आती है जिसमें अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी को लेके कहीं गुप्त स्थान पे चला जाता है, दूसरा रूप धारण करके आता है, वो उठा के इनको ले जाता है और गुप्त स्थान पे चला जाता है, पाताल लोक में चला जाता है, धरती पे रहता ही नहीं, वो पाताल में चला जाता है। ये किसी को पता नहीं लगता है पर हनुमान जी को पता लग जाता है, क्योंकि हनुमान जी को ऐसी शक्ति है कि हम अपने ही नहीं, अपन तो नॉर्मल इंसान है, भक्त हैं भगवान के, पर भगवानों के भी मन में क्या चल रहा है, वो कहां पर है, किस जगह है, ये हनुमान जी को ऑटोमेटिक पता लग जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन का वचन ध्यान जो लावे। इसलिए मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा से बेस्ट कुछ भी नहीं है मित्रों। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी मंत्र बने हुए हैं उनमें ऋषि मुनियों ने कीलक लगा रखा है, कीलक मीन्स उसमें लॉक लगा रखा है मित्रों। इस कारण जब तक वो आप कीलक नहीं खोलते हैं, वो लॉक नहीं खोलते हैं, वो आप मंत्र जपे जा रहे हैं जपे जा रहे हैं जपे जा रहे हैं पर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा मित्रों। पर हनुमान चालीसा में कोई कीलक नहीं है। तो मित्रों हनुमान चालीसा का जो ये आपको करना बाय डिफ़ॉल्ट, मैं जो मेरे पास जितने भी एस्ट्रोलॉजी के लिए अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए लोग आते हैं मैं उनको सारे उपाय बताता हूँ, बस हनुमान चालीसा उनको बाय डिफ़ॉल्ट में हनुमान चालीसा आपको करनी ही करनी है, हनुमान चालीसा नहीं छोड़नी है। अगर गलती से मैं आपको उपाय बताता हूँ उसमें हनुमान चालीसा छोड़ देता हूँ तो भी आप उसको वो नहीं करें, उस पर ध्यान नहीं दें, आप गणेश जी का मंत्र और हनुमान जी का मंत्र तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही करना है। तो हनुमान जी महाराज अहिरावण को पकड़ने के लिए, भगवान को छुड़ाने के लिए अहिरावण पाताल लोक में पहुंच गए। बताओ कैसे पता लगेगा किसी को कि पाताल लोक में कौन है? यही तो इनकी खास बात है, इनको तुरंत पता लग जाता है हनुमान जी महाराज को कि भक्त कहाँ परेशान है, किस जगह है, तो वहाँ वो पहुंच जाते हैं। वो तो भगवान राम थे, भक्त देवताओं का भी पता लग जाता है इनको। तो को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं ठारो। तो मित्रों इसी को मेरी वाणी को विराम देता हूँ इसी बात के साथ कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं डेली, जितने भी पूजा पाठ मैं बता रहा हूँ या कोई और एस्ट्रोलॉजर बता रहा है या और कुछ कोई भी बता रहा है या कहीं से आप सुन के आए हैं, पूजा पाठ सभी देवी देवताओं करनी चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पर बाय डिफॉल्ट आपको दो देवी देवताओं की पूजा पाठ डेली करनी ही करनी है, पहले गणेश जी महाराज की और उसके बाद हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम मित्रों। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मित्रों। जो नया मेरा वीडियो आता है उसके कमेंट्स के मैं जल्दी आंसर देता हूं मित्रों, क्योंकि पुराना वीडियो उसमें हजारों हजारों कमेंट आए हुए हैं। तो मेरा पहला जो वीडियो है उसमें 7 लाख व्यूज अब तक आ चुके हैं, हजारों कमेंट आए हुए हैं मित्रों, हर कमेंट का पॉसिबल है। जो लोग मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो मेरे हर वीडियो देखते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरा नया वीडियो भी देखते हैं, तो उनके मैं क्वेश्चन के आंसर जल्दी देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी ईजी रहता है मित्रों।
क्योंकि यूट्यूब नए जो वीडियो है उसके जो उनको पहले बताता है कमेंट्स को। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।